दुनिया भी डेंजर में है ना। तो आप सभी एक बार सोच के बोलिए, क्या हम भी डेंजर जोन से बाहर है या नहीं? जो कहते हैं बाहर आ गए हैं, हाथ उठाओ, हिम्मत नहीं तो टेस्ट पेपर आता है, ऐसे नहीं छोड़ो। आज आपको बताएंगे जो जो हाथ उठाए क्लास होने के बाद बताएंगे, आप फिर मुझे बताएंगे नो भाई जी नो 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 नो, क्या है सारी क्रोध रुक्ष वक्ष रुक्ष आपके सामने रखेंगे। ऐसे है आपको घर नहीं भेजेंगे, ये हॉस्पिटल में पूरा ऑपरेशन करके बैंडेड करके मेडिसिन दवा इंजेक्शन डाइट सब दे के ही भेजेंगे। तैयार है ऑपरेशन कराने के लिए? सब बहुत अच्छे आत्माएं शुद्ध आत्माएं ना आप सब। दुनिया एक बात कहते हैं, डे विदाउट लॉफ्टर इज वेस्टेड। डे विदाउट लॉफ्टर मतलब क्या? जिंदगी में अगर आप हंसते नहीं खुशी नहीं तो वो दिन वेस्ट हो गया। हमारे तो बाबा खुशी का खान खोल दिया, खुशियों का भंडार हमें खोल दिया, जिसके जीवन में सब कुछ हो सकता है, खान पान हो सकता है, लक्जरी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, शरीर का बीमारी भी उसको खुशी से जीना नहीं देते हैं। ऐसे जीवन जीना ऐसा है जैसे सुगंध रहित फूल, स्वाद नहीं है ऐसा पीखा जीवन, वो है क्रोधी जीवन। बाबा हम बच्चों को पहले याद दिलाया, बच्चे तुम सब शांत स्वरूप आत्मा, इसीलिए हमारा एक महामंत्र बन गया यज्ञ के ब्राह्मण आत्माओं के ब्रह्म कुमारी संस्था के, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम का मतलब होता है आ ओ मा, आचरण उच्चरण मन का शक्ति, ये है ओम। कहते एक बोलते एक करते एक, उसको शांति जीवन में नहीं होता है। देयर इज नो अलाइनमेंट, देयर इज नो हार्मनी, सद्भावना नहीं होता है, अलाइनिंग नहीं होता है, तो जीवन में शांति कभी नहीं होता है। सोचना भी एक, बोलना भी एक, करना भी एक। कलयुग कैसे बन गया? सोचते एक, बोलते एक, करते एक, सेकेंड सेकेंड क्या हो गया? चेंज होता गया। कलयुग बनता ही है जब ये आचरण उच्चरण मन का शक्ति बिगड़ गया। भगवान हमको शांति दूत बनाना चाहता है। कौन सा दूत? कौन सा दूत? तो शांति का मतलब कई लोग ऐसे समझते हैं, एब्सेंस ऑफ साउंड। शांति का मतलब एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं है, शांति का मतलब है इनर कॉमनेस। मेरे बात समझ में आया? शांति का मतलब बाहर के शब्द वातावरण से आप बिल्कुल हट गया, इसको शांति नहीं कहते। कोई आपको जाकर के जंगल में डाल दिया, क्या वह शांति है? क्या किसी ने आपको एक कमरे में बंद कर पूरी रीति से आपको आवाज बंद कर दिया, क्या वह शांति है? तो शांति उसको नहीं कहते हैं एब्सेंस ऑफ साउंड को, शांति उसको कहते हैं जहां इनर कॉमनेस। जीवन में सब कुछ मिलते हुए भी मन तृप्त नहीं तो वो शांति नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड इज कॉल्ड पीस। आज के जमाने में किसी ने मुझे एक सेशन में उठकर पूछा, भाई साहब आपने तो बहुत अच्छे समझाते हैं, क्या आप मुझे एक वर्ड में बोल सकते हैं व्हाट इज पीस? मैंने बोला यस आई कैन।
आज की दुनिया पीस क्यों नहीं है? मैंने बोला पीस ऑफ माइंड, आज पीसेस ऑफ माइंड हो गया है, क्या करें? PICE हो गया है, PEACE चले गया है, पीस ऑफ माइंड, पीसेस ऑफ माइंड हो गया, इसलिए सब जगह अशांत अशांत।